से आपको बाइट करना है इसमें। चॉकलेट विप क्रीम होगा सर। गुड मॉर्निंग महाबलेश्वर, डे टू। कैसे हो आप? आज दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं। आज हम महाबलेश्वर में जो जो अपने पॉइंट्स बाकी हैं उन सभी को एक्सप्लोर करेंगे और फिर आगे के लिए बढ़ेंगे। तो आज महाबलेश्वर में जैसे अपने वेन्ना लेक हुआ, विंसेट पॉइंट हुआ, वो निडल पॉइंट हुआ, तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स बाकी है जो आज हम कवर करेंगे और उसके बाद हम आगे की तरफ करेंगे। तो दोस्तों अभी हम हैं वेन्ना लेक पर। ये देखिए सब कुछ खुल चुका है। वेन्ना लेक पर आप आ सकते हो। तो अभी हम हैं वेन्ना लेक पर। आप वेन्ना लेक का नज़ारा देखिए। तो वेन्ना लेक भी खुल चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं, वेन्ना लेक पर घूम सकते हैं। तो आइए महाबलेश्वर और एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए पार्किंग, खाने के, और यहाँ पर आप हॉर्स राइड भी कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग भी है और आपको बोटिंग भी दिखाया। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं केट्स पॉइंट पर। केट पॉइंट से आपको एक वैली, कृष्णा रिवर और एलिफेंट हेड दिखाई देता है। और यहाँ से एक इको पॉइंट भी है। आप अगर नीचे की तरफ आवाज़ लगाते हो तो आपकी आवाज़ आपको ऊपर इको करके आती है। यहाँ पर जो डैम का ब्रिज है, उस ब्रिज पर बहुत सारी मूवी की शूटिंग हुई है। बाजीराव मस्तानी की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। तो चलिए मेरे साथ और देखिए केट्स पॉइंट।
तो आइए दोस्तों, जहाँ पर सारे सेलिब्रिटीज आकर आइसक्रीम, मकई पकौड़ा, मिक्स पकौड़ा, वेज मैगी, फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच, जूसेस, आइसक्रीम, मिल्क शेक, इन सभी चीज़ों का लुत्फ़ उठाते हैं, उस शॉप पर हम आज जूस पियेंगे। ये है केट्स पॉइंट पर। यहाँ पर कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ आकर गए हैं आपको उनके फ़ोटोज़ में दिखाऊंगा। तो आप भी अगर महाबलेश्वर आते हो तो केट्स पॉइंट्स पर इस बाबाज कैफ़े में ज़रूर विज़िट करना। मैंने लिया है गंगा जमुना जूस। आपको जो भी ट्राई करना है आप ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हम बाबाज कैफ़े पर है, तो महाबलेश्वर खुल चुका है, तो बाबाज कैफ़े इसके ओनर हमारे साथ है। वो क्या अपील करना चाहते हैं हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। यहाँ पर सब अच्छे से चालू हुआ, अभी 8 दिन हुआ महाबलेश्वर शुरू हो चुका है, पॉइंट भी शुरू हो चुका है, अभी फ़िलहाल 8 महीने से बंद था और सब अच्छे से चालू है, सोशल डिस्टेंसिंग से चालू है। और मेरा जो बाबाज कैफ़े है वहाँ पर स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम जो है फेमस आइटम है यहाँ का। अच्छा, तो बहुत से लोग यहाँ पर स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम खाते हैं, सेलिब्रिटी लोग आते हैं और दिलीप कुमार से शाहरुख खान तक लोगों ने हमारा स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम चखा है और खाया है। तो आप जितने भी लोग हैं वो जो सुन रहे हैं वो देख रहे हैं वो महाबलेश्वर आके हमारा स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम ज़रूर खाएं। ओके, तो यहाँ का स्पेशलिटी है स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम। तो अगर आप महाबलेश्वर आते हो, केट्स पॉइंट आते हो, तो यहाँ पर बाबाज कैफ़े पर ज़रूर विज़िट करिए। और यहाँ का ये सभी जो भी जितने भी आइटम्स यहाँ पर मिलते हैं उनका आपकी जो पसंद का आइटम है उसका लुक तो करिए। थैंक यू। ओके। जो फ्रोजन स्ट्रॉबेरी का सीजन है, हाँ मेन स्ट्रॉबेरी का सीजन अभी नहीं है फिलहाल, हम लोग फ्रोजन स्ट्रॉबेरी डाल दिए। आपके स्पेशल आइटम में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप डालते हैं? इसमें आइसक्रीम डालते हैं, स्ट्रॉबेरीज, फ्रेश क्रीम, कोन, क्रश, 5 आइटम इन द ग्लास। ये इसको क्रश करके खाइए आप, इसका मजा कुछ और ही है। ये कोन लगाए ऊपर से आपको बाइट करना है इसको। कोन बाइट करके डायरेक्टली बाइट कोन, देन रिपीट क्रश इट एंड ईट इट। इसके ऊपर मैं चॉकलेट डालूंगा, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बना दूंगा। सर बोलो बैठो। ये स्ट्रॉबेरी चॉकलेट विथ क्रीम मिलेगा सर। आपको स्ट्रॉबेरी के साथ चॉकलेट का मजा है इसमें, बहुत स्पेशल, बहुत अच्छा लगता है इसमें। और एक बार खाने के बाद रिपीट वापस ऑर्डर आता है हमारे लिए। ये स्ट्रॉबेरी चॉकलेट विथ क्रीम हो गया सर। ये आपकी स्पेशल, ये स्पेशलिटी है सर, महाबलेश्वर स्पेशल आइटम है। और केट्स पॉइंट कुछ लोग ऐसे है जो यही खाने के लिए खास आते हैं। क्या बात है, आप ट्राई कीजिए सर। ओके। तो चलिए दोस्तों, बाबाज कैफे का फेमस स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम जो हमने ऑर्डर किया है और हम अभी उसकी टेस्ट करेंगे, फिर इसका रिव्यू आपको बताएंगे। हाँ
बहुत मस्त है, क्रीम बिल्कुल फ्रेश है और टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब। जितनी भी स्पेशलिटी इनके ओनर ने इसके बारे में बताई थी, ये उससे भी ये बहुत बेहतर लगा। सही में आप अगर महाबलेश्वर आते हो, किड्स पॉइंट आते हो, तो बाबा कैफे पे एक विजिट ज़रूर करिए। तो दोस्तों, मैं इसे फटाफट फिनिश करता हूँ और आपको मिलता हूँ अगले पॉइंट पर। तो अभी हम खड़े हैं निडल होल पॉइंट पर। निडल होल पॉइंट से एलिफेंट हेड और निडल में धागा डालने के लिए जो होल होता है ना, उस तरीके से पत्थर में होल हुआ है। दो पत्थर के बीच में ऐसा होल है और उस पत्थर को एलिफेंट का आकार आया है। तो चलिए देखते हैं निडल होल पॉइंट से निडल होल आखिर कैसे दिखता है। ये देखिए, ये एलिफेंट आपको दिख रहा है और ये जो जगह है ये है निडल होल। जैसे निडल में होल होता है, हम जहाँ से धागा अंदर डालते हैं उस हिसाब से ये होल है, इसलिए इसको निडल होल पॉइंट कहते हैं। और ये पूरा एलिफेंट की तरह दिखता है। तो आइए एंजॉय करिए निडल होल पॉइंट से कृष्णा रिवर का ये नज़ारा देखिए। तो चलो दोस्तों, महाबलेश्वर का सफ़र यही ख़त्म करते हैं और चलते हैं आगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। डैश टू एक्सप्लोर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।